सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग ऑल पर्सन के साथ। और राम राम। सबसे पहले तो आज डेली बताऊँ जंग का दिन है, क्योंकि आज से मेरा हुलिया लुक सब चीज़ चेंज हो जाने वाला है, क्योंकि आज मैं गंजा होने जा रहा हूँ। आज का ब्लॉग रेडी में बहुत ही ज़्यादा होगा। आज का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जिससे मेरी इतने लंबे लंबे चीन सुंदर सुंदर बाल दिख रहे हैं आप लोगों को। देन उसके बाद ये बाल नहीं दिखने वाले हैं कुछ दिनों तक। आई थिंक 2 महीने एटलीस्ट लग जाते हैं बाल आने में, और प्रॉपर तरीके से बाल आने में 3 महीने का वक्त लग जाता है। खुद अभी क्या बताओ, चलो चलते हैं पावर के शॉप पे, फिर वहाँ पे जाके बाल कटवाते हैं। अभी मैं एक्चुअली ये चीज़ नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर जड़ से कटवा लूँ या फिर 0 मशीन चलवा लूँ। तो मेरा तो सजेशन कर रहा है मैं जड़ से कटवा लूँ। मम्मी बोल रही है कि 0 मशीन चलवा लो, क्योंकि लगातार मैं 3 साल से रेगुलर बाल कटवाते आया हूँ पर ईयर। देन वंस अगेन मैं बाल कटवा रहा हूँ सावन के महीने में, पता अभी महीना स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं है। जाता हूँ बार बार शॉप पे, देखते हैं क्या होता है। बड़ा अजीब से सका सुलिया कैसा लगेगा, मगर बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए जाता हूँ अभी वहाँ पे। ये रही मेरी कहाँ गया कैप, दिस इज़ माई टोपा सुर, जाएगा मेरे सर पे दूसरे से आते वक्त लगा के आऊँगा। चलिए बाय। मिल बाय नहीं यार, मिलता हूँ टकला होकर या टकला होते वक्त। ये रही मेरी हालत आज की, क्या से क्या हो गया, कुछ कर भी नहीं सकते। किसी ने फोर्स भी नहीं किया था कि नहीं जाके अपना बाल कटवा, मेरी खुद की मर्जी थी। अब आप लोग बोलेंगे मेरे सर पे क्या तोप के बैठे, तोप के नहीं बैठे, ये मुल्तानी मिट्टी है जो कि मैंने अपने सर के ऊपर लगाया, जिससे कि मेरे बालों के जड़ों को ऊर्जा मिले। क्या मिले? ऊर्जा, ताकत। आई कांट बी यार, थोड़ा अजीब लग रहा है, बाल कट गए ना। ये देखो रमेश आ गया, मतलब बनी जाना चोर चूहार आज तो कसम से कह रहे हैं। अभी मैं बाथरूम के गेट पे बैठा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब ये मैं गंजापन के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, अपने माथे में मिट्टी तोप के नहाने के लिए कि ड्राई हो, फिर मैं उसके बाद नहाने जाऊँ। तो आप देख लीजिए मेरा लिया टकला होने के बाद का, कुछ नहीं कह सकता। टकले दिवस का आज मेरा पहला दिन था ऑफिस में। एक्चुअली मैं टकला हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा था, देख ही सकते हो कैसा लग रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैंने 0 मशीन चलवाई, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि चिलवा लेता ज़्यादा अच्छा होता, मतलब सरपट। नहीं, मैंने 0 मशीन चलवा के ठीक किया अदरवाइज। सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला ठीक। मैंने किसी का कॉपी वॉपी नहीं किया, मैंने भोभो बोला था बस भोभो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। रियल बोलूँ तो टकला बन के बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बस वेट कर रहा हूँ जल्दी से मेरे बाल आ जाए, मैं फिर से अपने हरे भरे खेत लेके डोलूँ, क्योंकि वही तो। ये देखो टकलेपन का कैसे लग रहे मेरे सर, कपोड़ा अच्छे नहीं लग रहे। तो आज ऐसा भी था दिन अच्छा गया, अदरवाइज उतना अच्छा तो नहीं गया, फिर भी हाँ अच्छा था। तो इसी के साथ बोल दे उन्हें लॉक ना करें ऑफिस का डोर, पराठे मंगवाए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने अपना हेयर कट करना का कैसे मैंने कटा मतलब कटवाया वो देखा आप लोगों को। बस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं न्यू ब्लॉग ओल्ड पर्सन के साथ। सो प्लीज़ इस वीडियो को डू लाइक शेयर कमेंट, एंड ऑल्सो यू हैव न्यू इन दिस चैनल सो ऑल्सो सब्सक्राइब।
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग ओल्ड पर्सन के साथ। राधे राधे।